वेलकम बैक। हम आरके जब महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ के फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। पिछले सेशन तक में हमने आपको दो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत लंबा सा बहुत नंबर ऑफ वीडियो बहुत बताए। और अभी तक के पिछले सेशन तक में हमने एनसीईआरटी को डिस्क्राइब किया। अब आज हम फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रेफरेंस बुक से एससी वर्मा का न्यूमेरिकल बता रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आज हम इस न्यूमेरिकल में आज के सेशन में हम आपको 7 क्वेश्चंस बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रो कूलम्ब इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी, 2 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी। इस क्वेश्चन में चार्ज कितना दिया, 10 माइक्रो कूलम्ब, और वर्क डन कितना है, 2 मिली जूल। इस पर बोर्ड में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था साइंस में, जो माइक्रो को और मिली को हम किस 10 के फैक्टर से उसको प्रॉपर एसआई यूनिट में लाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो माइक्रो है तो माइक्रो को आप प्रॉपर यूनिट में लाने के लिए 10^-6 से इंटू कर देंगे, और मिली रहेगा तो 10^-3 से इंटू कर देंगे। तो हमने कर दिया, अब ये माइक्रो नहीं कूलम्ब बन गया, ये मिली जूल नहीं, ये जूल हो गया, यानी चार्ज हो गया 10^-6 कूलम्ब, और वर्क डन हो गया 2^-10^-3 जूल, और भी हमको निकालना, पोटेंशियल निकालना। और हम जानते हैं कि भी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू कितना है, 2^10^-3, और क्यू कितना है, 10^-6। 10^-6 को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये -3 में ये -6 क्या प्लस हो जाएगा, ये सॉल्व होकर कितना 10^3 आ गया, ये 0.2 है। तो 0.2 को अगर हम 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200 वोल्ट। इसका मतलब कि पॉइंट पी का पोटेंशियल 200 वोल्ट है। क्लियर, बस सिंपल क्वेश्चन है कि बस खाली इसमें माइक्रो और मिली को चेंज करने की जरूरत है, और तो फिर हम V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला यूज कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में है कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 0.02 कूलम्ब फ्रॉम A टू B इफ द पोटेंशियल एट A इज 20 वोल्ट एंड दैट एट B इज 30 वोल्ट। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एट द पॉइंट कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट, एंड पोटेंशियल एट बी 30 वोल्ट, और चार्ज कितना है 0.02 कूलम्ब, और डब्ल्यू निकालना है। तो हम वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू कर दिए, तो 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, 30 माइनस 20 10 वोल्ट डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, और ये क्यू दिया हुआ 0.02, डब्ल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 जूल इसका वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 10 मिनट इफ द करंट थ्रू इट इज 2.5 एम्पियर। इसमें हमको चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए हमने क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दिया। टाइम 10 मिनट है, मिनट में है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 600 सेकंड्स हो गया, और आई मतलब करंट 2.5 एम्पियर दिया है। और इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता तो क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, जहां आई कितना है 2.5 एम्पियर, और टी कितना है 600, और क्यू क्या है कूलम्ब बन गया। 2.5 को अगर आप 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 कूलम्ब चार्ज का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ए 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू अ 1 ओम रेसिस्टर, मतलब आर कितना दिया है 1 ओम का, और वोल्ट है 2 वोल्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन 2 मिनट्स, अब 2 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में मूव करेगा।
तो टाइम तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड दिया हुआ है और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो आपको याद होगा कि पिछले सेशन में इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि n इज इक्वल टू क्यू बाई ई डैश, या ई डैश का मतलब होता है नेट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और n डिनोट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसमें भी 2 वोल्ट है, R1 ओम है, तो लेकिन यहां पर हमको क्या चार्ज नहीं पता है, तो हम पहले चार्ज पता कर लेंगे। तो चार्ज को पता करने के लिए भी हम चार्ज तभी पता कर सकते हैं जब हमको करंट मालूम होगा। यहां तो करंट भी नहीं दिया है, वी आर दिया हुआ है, तो हम ओम का लॉ यूज अगर करते हैं तो ओम लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर होता है, इसीलिए आई वी बाय आर हो जाएगा। वोल्ट दिया 2 वोल्ट, आर दिया 1 ओम, यानी करंट कितना 2 एम्पियर निकल गया। फिर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हम फिर क्यू निकाल देंगे आई इंटू टी, आई को टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आई कितना आया है 2 एम्पियर, टाइम कितना है 120 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 240 कूलम का चार्ज आ गया। अब नेट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब फॉर्मूला क्या है इसका, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई डैश, तो क्यू कितना है 240 और ई डैश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.5 × 10⁻²⁰ इलेक्ट्रॉन जो है उतना उस सर्किट में मूव करेगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को आप समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकंड इज 12 कूलम, व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द सेल। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए टाइम दिया 4 सेकंड, क्यू दिया 12 कूलम और आई निकालना, और आई क्या होता है क्यू बाई टी, 12/4 हो जाएगा तो 3 एम्पियर करंट निकल गया। 6 में दिया क्वेश्चन, 6 है ये 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस ऑफ 5 ओम रेसिस्टर, मतलब 6 वोल्ट बैटरी को 5 ओम रेसिस्टर में कनेक्ट करेंगे तो करंट क्या होगा। तो सिंपल फिर क्वेश्चन है, भी 6 वोल्ट दिया है, आर जो है 5 ओम है, तो आई निकालना है, इसके लिए भी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई क्या हो जाएगा वी बाय आर, यानी 6/5 करेंगे तो 1.2 एम्पियर करेंगे। ठीक है, फिर 7 क्वेश्चन में दिया है कि वेन अ 24 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर, मतलब आपके पास एक रेसिस्टर है अननोन रेसिस्टर, उसको आप 24 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है उसमें 0.4 एम्पियर आता है। तो करंट 0.4 एम्पियर आता है और वोल्टेज है 24 वोल्ट, तो आर निकाल देंगे ओम्स लॉ से, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर क्या वी बाय आई हो जाएगा, 24 में हम 0.4 से डिवाइड कर देंगे, 7 ओम रेसिस्टर, वो रेसिस्टर जो अननोन था अब उसका रेसिस्टेंस हमको पता चल गया कि 60 ओम है। फिर कह रहा है कि अब उस रेसिस्टर को अगर हम 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो उसका करंट कितना होगा, तो आर तो जस्ट फाइंड किए 60 ओम, अब वोल्ट 24 नहीं, अब हम 6 वोल्ट दे रहे हैं तो 6 वोल्ट बैटरी में ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो वी कितना है 6 वोल्ट और आर निकाल लें 60 ओम, तो 6/60 1/10 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 एम्पियर जो है वो करंट को ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से 7 क्वेश्चन समझ सकते हैं। फिर अगले सेशन में फिर हम 7-8 क्वेश्चन और बताएंगे। थैंक यू।